चिप्स बहुत क्रिस्पी बने हैं, आप आज से अंदाजा लगा लिया होगा। आज सीखेंगे माइक्रोवेव में आलू के चिप्स कैसे बनाएं। जानने के लिए एंड तक फॉलो कीजिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइक्रोवेव में आलू चिप्स बनाने के लिए दो मीडियम साइज के आलू हैं, इनका छिलका निकाल लेंगे। कोई स्पेशल वैरायटी का आलू नहीं लेना, नॉर्मली घर में जो सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं वही लिया है। चिप्स बनाने के लिए ये जो कटर आता है इससे आलू के पतले पतले स्लाइसेस कर लें। बोल में पानी है, तैयार आलू के स्लाइसेस इसमें डालें, इन्हें वॉश कर लें। ऐसा करने से आलू का स्टार्च निकल जाएगा। स्लाइस इतने पतले हैं कि हाथ में उठाने पर उंगलियां नजर आएंगी, ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसी तरह के स्लाइसेस तैयार करना है। आलू को जितना पतला काटेंगे चिप्स उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। बोल का सारा पानी निकाल दें। कपड़े पर इन्हें अरेंज कर लेंगे, दबाकर इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल दें, यानी स्लाइसेस पर नमी न रहे, इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। माइक्रोवेव से प्लेट पर रखी ये बटर पेपर, आलू के स्लाइसेस इस पर अरेंज करें। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव से प्लेट नहीं है तो क्या करें। उस कंडीशन में बटर पेपर के ऊपर स्लाइसेस अरेंज करें, डायरेक्टली माइक्रोवेव के टर्न टेबल यानी ग्लास ट्रे पर रखकर भी चिप्स बनाए जा सकते हैं। ब्रश की मदद से हल्का सा तेल लगाएं, पलटकर दूसरी साइड भी अप्लाई करें। ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस हल्का सा लगाइएगा। चाहे तो बिना तेल के भी चिप्स बना सकते हैं, रिजल्ट में थोड़ा अंतर रहेगा। फॉलो करते रहिए, इसी वीडियो में आगे बिना तेल के चिप्स बनाना सीखेंगे। 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, उसी मोड पर जिस मोड पर खाना गर्म करते। पाँच मिनट लगातार माइक्रोवेव नहीं करना, 4 मिनट होने पर पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो सके। इस टाइम ये आपस में चिपकेंगे लेकिन क्रिस्पी होते ही अलग हो जाएंगे। बचे हुए 1 मिनट को पूरा होने दें। यहाँ पर 900 वॉट का माइक्रोवेव यूज़ किया है। अगर आपके माइक्रोवेव का वोल्टेज कम या ज़्यादा है तो टाइम में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। एकदम क्रिस्पी आलू चिप्स बनकर तैयार हैं, आवाज से अंदाजा लगा लिया होगा। इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, ऊपर से डालेंगे चाट मसाला, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चिप्स पर अप्लाई हो सके। माइक्रोवेव चिप्स बनकर तैयार हैं। बिना तेल के चिप्स बनाने के लिए माइक्रोवेव से प्लेट पर रखा है बटर पेपर, आलू के स्लाइसेस अरेंज कर लेंगे। माइक्रोवेव कीजिए 5 मिनट के लिए। चार मिनट पूरे हो जाएं तो पलट देंगे। बचा हुआ 1 मिनट भी पूरा होने दें। मैंने चिप्स को डायरेक्टली प्लेट में निकाल लिया, ये भी बहुत क्रिस्पी है। बस अंतर ये है कि पहले वाले से कंपेयर किया जाए तो थोड़े कड़क रहेंगे, बाकी देखा जाए तो टेस्टी हैं और हेल्दी भी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आएगा, उसे दबाइए। पास में ही दिखेगी एक घंटी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी को दबाने से ये होगा
कि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगी तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।